हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लाइमेट। बेसिकली क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी का सेक्शन है। ज्योग्राफी के सेक्शन में क्या है, क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है या पार्ट है। तो आइए पढ़ते हैं क्लाइमेट क्या है। देखिए, बेसिकली हम स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आते हैं कि कुछ वेदर होता है, कुछ क्लाइमेट होता है, लेकिन मोस्टली बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। नॉर्मली हम कहते हैं कि आज वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल देते हैं आज क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो इनमें डिफरेंस होता है। अब दो नाम दिए हैं वेदर और क्लाइमेट, तो कुछ डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, वेदर जो होता है ना फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि अगर आज सुबह है, सुबह धूप थी, यानी कि एक हॉट वेदर था, सनी, सूरज बहुत तेज था जिसकी वजह से क्या है गर्म था। शाम होते होते क्या है थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो वेदर क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, वेदर जो है वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सडन 2 घंटे बाद पता नहीं क्या हो जाए, उसको वेदर बोलते हैं। क्या हो जाने का मतलब है, वेदर के अंदर क्या क्लाइमेटिकल चेंजेस आए, क्या टेम्परेचर चेंजेस आए, उसको हम कहते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या होते हैं, क्लाइमेट होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमारे यहाँ सीजन्स डिवाइड होते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, तो ये सारे 2-2 महीने या 3-3 महीने के फॉर्म में आते हैं। सपोज अगर मैं बात करूँ कि विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में क्या है, विंटर सीजन में अगर नवंबर में क्या है सर्दी पड़ना स्टार्ट होनी है, यानी कि विंटर होना स्टार्ट होना है, तो वो फेब तक या लास्ट मार्च तक चलेगा ही चलेगा, वो एक विंटर सीजन है। तो लॉन्ग सीजन क्या हो गया, क्लाइमेट। अब विंटर सीजन तो क्लाइमेट है, लेकिन विंटर सीजन में सपोज अगर दिसंबर में कोई दिन है जो थोड़ा बहुत सूरज बाहर आ गया, तो वो थोड़ा सा हॉट वेदर हो गया कि हाँ आज वेदर जो है वो थोड़ा सा गर्म है। मौसम कौन सा चल रहा है, ठंडा, वेदर जो है विंटर सीजन चल रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेदर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट। आगे बढ़ते हैं, और ये डेटा जो भी गिवन है आप इसको नोटेड डाउन कर सकते हैं। क्लाइमेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एट द सर्टेन प्लेस ऑफ अर्थ। वही बात कि जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ होती है वो क्लाइमेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे जो कंडीशंस होते हैं जो क्लाइमेट फुलफिल करता है वो इसके पास में होती है। इमेजेस आप देख पा रहे होंगे, इसलिए वेदर जो है इस टाइम पे क्या हो जाता है, क्लाइमेट के टाइम पे कि लॉन्ग एक पीरियड में कवर होता है। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज वेदर, मैंने आपको बताया वेदर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और ये पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड के बाद बदल जाता है, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स के बाद, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये बदल जाता है, इसको वेदर कहते हैं। मानसून क्या होते हैं, देखिए मानसून एक वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम होता है म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब होता है सीधा सीधा सीजन, कि सीजन क्या है, यानी कि मानसून का मतलब हो गया एक तरीके से सीजन। तो इंडिया में मानसून का मतलब है कि बारिश का होना, यानी कि छोटे छोटे टाइप के प्रेसिपिटेशन होना। बारिश बेसिकली कैसे भी हो सकती है, वो मंथ में हो सकती है, जून जुलाई अगस्त में हो सकती है, इसके अलावा मई जून में हो सकती है, दिसंबर जनवरी में हो सकती है, ठीक है। तो मानसून बेसिकली प्रेसिपिटेशन, यानी कि थोड़ी बहुत बारिश, और इसका मतलब होता है म्यूजियम। मानसून बेसिकली अब 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है हमारा बेसिकली रिट्रेटिंग मानसून, और सेकंड होता है एडवांस मानसून। तो ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर। आप सबको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो हर जगह डिफरेंट टेम्परेचर मिलता है। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ, काफ़ी ठंडा क्लाइमेट रहता है नॉर्मली वेदर, यानी कि वहाँ तो क्लाइमेट ही बोलेंगे क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, ठंडी ही रहता है। टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर बेसिकली क्या 10-15 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। सियाचिन में चला जाऊँ तो नेगेटिव में चला जाता है जो टेम्परेचर है, यानी कि बिलो -10 डिग्री हो जाता है या -5 डिग्री रहता है, ये सियाचिन का टेम्परेचर है। लेकिन उसी सेम टाइम पे अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की या पंजाब की या हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमें बहुत एक डेंस क्लाइमेट मिलता है जो नॉर्मली 20-30 डिग्री के बीच में जिसका टेम्परेचर होता है। समर की बात करूँ अभी, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 30-45 डिग्री पे पहुँच जाता है, ठीक है, सेल्सियस में। और इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो हार्डली 8-10 डिग्रीज रहता है या 10-15 डिग्रीज रहता है। तो ये डिफरेंस है कुछ टेम्परेचर्स का। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, यानी कि छोटे छोटे एरियाज में डिफरेंट टाइम पीरियड पर बारिश होती रहती है, और बारिश होने की वजह से क्या है, वहाँ की फसल है, वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ की विंड है, एयर है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो एक क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए, यानी कि सेम रखने के लिए, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
वेजिटेशन क्या होता है? मैंने वेजिटेशन आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया। वेजिटेशन का मतलब हो गया प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जो चीज़ इंसान ने उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाया, नेचुरली ग्रो हुई है। जैसे कि ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये घास है। बेसिकली घास को कभी कोई लगाता है, नॉर्मली आर्टिफिशियल घास आती है उसको ह्यूमन लगाता है, लेकिन नेचुरल वाली जो घास है उसको अपने आप से इनबिल्ड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेशन। आगे बात करें, ये कुछ आपको एक मैप दिख रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये सिर्फ प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है। येलो वाला आप चेक कर पा रहे होंगे कि बिलो 400 जो टेम्परेचर है येलो वाला, वो ये रहता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। फिर 400 to 800, 800 to 1600 ये डेटा आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट को कौन से दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला लोकेशन के बेस पर क्लाइमेट क्या इफेक्ट होता है, सेकंड हमारा विंड एंड प्रेशर के वजह से हमारा क्लाइमेट इफेक्ट होता है। अब लोकेशन की बात करें तो लेटिट्यूड एल्टीट्यूड क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, रिलीफ फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हिमालय माउंटेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ये जो सिक्स टाइप है इसकी वजह से क्या है कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। और अगर हवा की बात करें विंड एंड प्रेशर की, तो सरफेस प्रेशर इन विंड, अपर एयर सर्कुलेशन और वेस्टर्न साइक्लोन्स, ये भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ नाम जान रहे हैं। नेक्स्ट है लेटिट्यूड। अब लेटिट्यूड क्या होता है देखिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लेटी, लेटी का मतलब है लेटा हुआ, तो जो लेटी हुई लाइन्स होती है ना, ये वाली जो लाइन्स हैं, ये जो लेटी हुई लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटिट्यूड कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इक्वेटर है, पूरे ग्लोब को जो लाइन दो हिस्से में बांटती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ये 0 degree हो गया। अभी बात हम सिर्फ लेटिट्यूड की कर रहे हैं, तो लेटी हुई लाइन्स, इन लाइन्स को हम लेटिट्यूड कहते हैं। आगे बात करेंगे लेटिट्यूड की, ये देखिए ये वाली लाइन्स क्या हैं, लेटिट्यूड लाइन्स हैं ये वाली, ठीक है। अब ये ग्लोब है हमारा, ग्लोब में इंडिया कहाँ पड़ता है हमारा, मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कौन सा? नदर्न हेमिस्फीयर। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखिए ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटर है, इक्वेटर का मतलब हो गया ग्लोब को, पूरे ग्लोब पे एक लाइन, पूरे ग्लोब को जो लाइन दो हिस्सों में बांटती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जो अपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर एक बड़ी बीमारी है, तो बड़ी चीज़ को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो बड़ी चीज़ को ऊपर रखेंगे, ये पूरा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें कुछ सब डिवीजन होते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ये होता है सब ट्रॉपिकल रीजन, ये ऊपर नॉर्थ लगता है तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। नीचे आइए, फिर इसका ये वाला ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला नीचे साउथ में, तो ये साउथ, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पड़ता है, इंडिया बेसिकली ट्रॉपिकल, जो हमारा इक्वेटर होता है उसके जस्ट ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है ये वाली, इसके बिल्कुल बीच में कोई इस जगह इंडिया पड़ता है, जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं लेटिट्यूड, लेटिट्यूड मैंने आपको बताया कि लेटिट्यूड लाइन्स को लेटिट्यूड कहते हैं, ये लाइन्स बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट हमारा रन करती हैं, वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर, ये नॉर्थ है, ये साउथ वाला पोर्शन है, तो वेस्ट टू ईस्ट हमारी जो लाइन्स चलते हैं वो लेटिट्यूड है, बाकी डेटा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर जोन, अभी मैंने आपको बताया था इस वाले फिगर में, ट्रॉपिकल का मतलब हो गया ये वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाला जो एरिया है हमारा, ये मैंने आपको सब ट्रॉपिकल बताया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एक ही बात है। और लास्ट का जो ये वाले हैं ये पोलर जोन होते हैं, यानी कि पोल्स, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं हाईलैंड क्लाइमेट की। तो आप लोग ये जो माउंटेन्स है ये आप चेक कर पा रहे होंगे, हाईलैंड क्लाइमेट्स क्या होते हैं, पहाड़ियों पे जो भी क्लाइमेट होता है हमेशा ठंडा ही होता है, तो अक्सर वहाँ पे जो पानी है वो बर्फ़ की फॉर्म में मिलता है, या पानी जो है ड्यू टू क्लाइमेट, ड्यू टू टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर की वजह से हमेशा बर्फ़ जमी हुई होती है, तो उसको हम हाईलैंड क्लाइमेट्स के नाम से जानते हैं। आगे अर्थ मेजर क्लाइमेट जोन आप चेक कर सकते हैं, अर्थ का मेजर क्लाइमेट जोन क्या है, ये वाला जो है सनरेज यहाँ से निकलती है, इक्वेटर मैंने आपको भी बताया, इक्वेटर के बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 degree पर कट होता है, उसके बाद दूसरी डिग्री हमारी 66.5 degree और यहाँ नॉर्थ पोल, वैसे ही नीचे आएंगे 23 degree साउथ में साउथ पोल, 66.5 degree में साउथ पोल, तो ये टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे
अब देखिए वही मैं समझा रहा था, इक्वेटर ग्लोब को आधे में डिवाइड करता है, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन लगता था, यानी कि इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। अब नीचे एंटार्क्टिका लगता है हमारा वर्ल्ड मैप में, तो इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल। अब देख लीजिए आप टॉरिड जोन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टेम्परेट जोन, और ये हमारा नॉर्थ में पड़ता है तो नॉर्थ जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टेम्परेट जोन, ये साउथ में पड़ता है तो ये साउथ जोन। नेक्स्ट एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा, देखिए आगरा मैंने मैप के थ्रू एक चीज़ समझाई है आपको, ये इंडिया का मैप है, आगरा बेसिकली उत्तर प्रदेश में जगह है जो स्टार बना हुआ है। अब एल्टीट्यूड का मतलब होता है चेंज इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एयर, यानी कि बारिश में क्या है हवा का चेंज होना, कभी बहुत ज़्यादा होना कभी बहुत चेंज होना। तो देखिए हवा बेसिकली क्या है, लो एल्टीट्यूड में थी फिर हाई एल्टीट्यूड में आई, तो जब हवा जो है वो लो से हाई एल्टीट्यूड में आती है तो क्या है टेम्परेचर डिक्रीज होता है हमारा। तो आगरा में टेम्परेचर अगर 16 डिग्री है और वो चेंज होकर अगर कहाँ दार्जिलिंग पहुंचेगा तो उसी टाइम पे वो 4 डिग्री सेल्सियस शो होगा। एयर टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे जो है एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो जो एयर है हमारी या जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, कूल होता जाएगा। एज द एलिवेशन इंक्रीजेस द एयर गेट्स कूलर बिकॉज ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाता है सराउंडिंग से सारी एनर्जी को खींचते जाता है और जो टेम्परेचर है उसको क्या करता जाता है, ठंडा करता जाता है। नेक्स्ट फैक्टर्स क्लाइमेट को जो इफेक्ट करते हैं कौन से, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कहाँ होते हैं इंडिया का, अगर मैं मैप की आपसे बात करूँ तो इंडिया का बेसिकली सपोज ये मैप है, इस मैप में ये वाला जो पोर्शन है साउथ का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन नॉर्थ का है, ये वेस्ट है आपका और ये ईस्ट वाला पोर्शन है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ आपका लक्षद्वीप आइलैंड लगता है अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल है यानी कि यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो इतने इतने एरिया में क्या है पूरे में पानी भरा होता है। तो बात मैं किसकी कर रहा था आपसे, दैट वॉज वाटर बॉडीज। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या जो इफेक्ट होती है क्लाइमेट जिसकी वजह से वो वाटर बॉडीज, इसमें क्या है गिल्स फिश होती हैं, फिश गिल्स के थ्रू क्या लेती हैं सांसें लेती हैं, और भी एक्यूटिक एनिमल्स होते हैं तो पानी में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब पानी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वेव्स के फॉर्म में क्या है एटमॉस्फेयर से टकराता है और एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन की वजह से वो पूरे क्लाइमेट में या पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है पूरी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से क्लाइमेट क्या है हमारा इफेक्ट होता है। आगे बात करते हैं नेचुरल प्रोसेस दैट चेंज क्लाइमेट्स। अब नेचुरली क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, सोलर एक्टिविटी, सोलर एक्टिविटी का मतलब हो गया सूरज अगर बहुत ज़्यादा तेज हो तो पूरे क्लाइमेट को वो क्या कर देगा, हार्श कर देगा, हार्श का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा, और बहुत ज़्यादा गर्म करने से क्या होगा जो डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट्स हैं, उन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। अर्थ मोशन का क्या मतलब होता है, आप लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी होंगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो तीन तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स जब भी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये नॉर्दर्न पोल है और ये आपका साउथ पोल है, दोनों आपस में डिस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होती हैं वाइब्रेशन करती हैं तो अर्थ मूवमेंट होता है, और अर्थ मूवमेंट के थ्रू क्या हो जाता है हमारा पूरा जो अर्थ सरफेस है वो डिसबैलेंस होता है, जिससे अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, सुनामी है, ये सारी चीज़ें दिक्कत देने लग जाती हैं। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बेसिकली क्या है वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर की बात करूँ, ये बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है कि डे बाई डे क्या है अर्थ, आपने ओजोन लेयर पढ़ा होगा, ओजोन लेयर में एक होल हो गया जिसको डिप्लीशन ऑफ लेयर कहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो हैं CO2 इसके अलावा और भी हार्मफुल गैसेस हैं जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी कहाँ हैं अर्थ सर्फेस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है स्टेबल हो गई हैं, और इनकी वजह से क्या है दिन पर दिन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीमेंट में आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या है एंटार्क्टिका में जो बर्फ़ है हमारी, जो नॉर्मली बर्फ़ के फॉर्म में चीज़ें हैं, आगे मैं शो करूँगा कैसे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो चीज़ें अगर बर्फ़ पिघलना शुरू होगी तो वो पूरे अर्थ के लिए सरफेस है, और एंटार्क्टिका के अंदर इतना पानी सेव है कि उसमें एक बार में 3 बार अर्थ को डुबोया जा सकता है, यानी कि अगर एक बार पूरे एंटार्क्टिका का पानी अगर पिघल गया तो उसमें अर्थ, हमारा जो अर्थ है ये पूरा 3 बार अंदर आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर इन विंड सरफेस क्या है, हवा
आपका टेम्परेचर या बेसिकली हवा जिस स्पीड से मूव करती है, जो उसका विंड टेम्परेचर होता है, ये पूरे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे प्रेशर इन विंड सरफेस, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हवा नॉर्थ टू ईस्ट चल रही है या वेस्ट टू साउथ चल रही है, इनके बीच में जो भी वेरिएशंस होते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशंस होते हैं, ये सब एयर एंड प्रेशर की वजह से होते हैं। आप डेटा स्टॉप करके इसको देख सकते हैं। अब सरफेस विंड की मैं बात करता हूँ, वही ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन और उसके बाद पोलर रीजंस। तो देखिए, जैसे जैसे चीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अब जाती रहेगी, वो लो होती जाएगी। पहले हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, ऊपर जाके बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि यहाँ हिमालय माउंटेंस लगते हैं। वैसे अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और यहाँ जाके फिर हाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है इंडियन ओशियन लाई करती है, इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इधर लगता है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एयर में से सर्कुलेशन क्या होता है, एयर में से सर्कुलेशन जो है ये ग्लोबली जो भी एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वर्क करती है अपने साथ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेशन हैं या फिर आपका एक्वेटिक वाइब्स हैं या फिर नॉर्मल वेरिएशंस हैं, इन सारी चीज़ों को लेके जब भी एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलते हैं एयर मास सर्कुलेशन। आगे बात करें कॉर्नफ्लिक्स इफेक्ट क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करते हैं। देखिए, अब सी एक मेजर पोर्शन है, सी बेसिकली कहाँ है, इतने इतने पोर्शन में होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दैट इज बे ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, ये वाला। अब देखिए, ये सारे कोस्टल प्लेन है, चेन्नई में समुद्र लगता है, मुंबई में समुद्र लगता है, कोलकाता में समुद्र लगता है नॉर्मली, तो ये कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पर समुद्र है, समुद्र का मतलब सी से हो गया। अब जब भी एयर चलती है पानी के कॉन्टैक्ट में आएगी, एवोपरेशन के थ्रू क्या करती है, एवोपरेशन के थ्रू वो पानी को ऊपर उड़ा ले जाती है, और उड़ा ले जाने के बाद क्या है, थोड़े थोड़े टाइम पे बारिश करती है। तो बारिश जब साउथ टू नॉर्थ होती है, इसको बोलते हैं एडवांस मानसून, ये होती है जून जुलाई के टाइम पर, और फिर आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा तब भी बारिश होती है। तो जो बारिश नॉर्थ टू साउथ होती है, दोबारा से पानी यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है इन जगह, इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। आगे बढ़ते हैं, रिलीफ क्या होता है हमारा, रिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हाई माउंटेन्स में पाया जाता है बेसिकली, जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं जैसे उत्तराखंड है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लेह है, लद्दाख है, या फिर सियाचिन है, श्रीनगर है, वहाँ पे ये क्या करता है, पहाड़ों के अंदर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस का मतलब हो गया कि कोई चीज़ अगर 1000 ईयर से अगर कोई पहाड़ बना हुआ है तो उसमें नॉर्मली अपने आप से रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। उस रिएक्शंस के थ्रू क्या है, टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है और एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रिलीफ एक इकलौता ऐसा फीचर है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा रिसीविंग रिलीफ, बेसिकली देखिए कहाँ कहाँ हाई रेनफॉल रिलीव कर सकता है, ये आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारा रिलीफ द रेन शेडो इफेक्ट। अब रेन शेडो इफेक्ट क्या होता है, ये रिलीफ का फीचर है। ये देखिए, कोई बड़ा वाला पहाड़ है, ये पहाड़ को अगर मैंने बीच में से तोड़ दिया फॉर एग्जांपल, तो इधर कहीं जो है एयर चलती है तो यहाँ कूल आपको एयर मिलेगी, ठीक है, वेट, जो हवा ठंडी होती है वो गीली होती है, जो एयर गर्म होती है वो ड्राई होती है, सूखी। आप लोगों ने मई जून के टाइम में देखा होगा, जो एयर आपकी बॉडी से कनेक्ट होती है या जो एयर आप कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो आपको बिल्कुल सूखी ड्राई लगेगी, ठीक है। तो ये इक्वल रिलीफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि चीज़ों को इक्वलिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर एक साइड से कूल है तो दूसरी साइड से हॉट टेम्परेचर देगा और पूरे क्लाइमेट को क्या करेगा, इक्वली एक साथ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द हिमालय क्लाइमेट बैरियर। अब हिमालय क्लाइमेट बैरियर क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये हिमालय माउंटेन है, यहाँ चाइना लगता है हमारा, यहाँ LAC लगता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हिमालय माउंटेन्स में क्या है, जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और हिमालय माउंटेन्स में क्या है रीज़न, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो कभी कभार यहाँ पहुँचती है, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं यहाँ पे जहाँ पे सूरज की रोशनी सालों में कभी एक बार या दो बार लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है, इसको हम समझाते हैं। देखिए, जेट स्ट्रीम का मतलब हो गया कि हवा का जो एयर सर्कुलेशन होता है, एयर सर्कुलेशन का मतलब हो गया हवा किस स्पीड से चल रही है। आप नोट देख सकते हैं, एटीट्यूड में हवा 12,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो हवा की स्पीड जिस यूनिट में काउंट की जाती है उसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम इन विंटर सीजन आप देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में बेसिकली जो हवा है, ये हवा के सारे सर्कुलेशन हैं, कभी हवा विंड से इधर से चल रही है, तिब्बत वाला पोर्शन है चाइना का, इधर से कभी इधर से।
नेक्स्ट जेट स्ट्रीम के ये कुछ एग्जांपल्स हैं या कुछ डेटा है, ये आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। अब वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वेस्ट वेस्ट का मतलब ये वाला वेस्टर्न, यानी कि वेस्ट पोर्शन की बात हो रही है। अब हवा बेसिकली जब वेस्ट टू ईस्ट चलती है, यानी कि हवा अगर राजस्थान से चल रही है किधर, इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है, तो ये हवा बेसिकली क्या है, किस तरीके से चलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए ओशन करेंट्स में इसका हवा का विंड फ्लो होता है, यानी कि राजस्थान के अंदर देखिए क्या लगता है, यहाँ पे गुजरात वाला पोर्शन है और फिर गोवा, गोवा में क्या है मेडिटेरियन सी पड़ता है, ये सी इस तरीके से हवा को फ्लोट करता है। ये पानी है, ये वाला पोर्शन पानी का है, ये वाला पोर्शन पानी का है, तो ये वाटर सरफेस हवा के कॉन्टेक्ट में आके क्या है ईस्ट की तरफ हवा को रोटेट करते हैं, तो ओशन करेंट्स में ये वाले पॉइंट्स आते हैं। अब करेंट में, करेंट और दैट इज जायरस, ये दोनों क्या होते हैं आपको मैंने 9th में ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, तो आप ऑलरेडी इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट डेटा हम आप अपना पढ़ते हैं। देखिए अब बेसिकली क्या है, कोल्ड करेंट और वर्म करेंट क्या होता है। कोल्ड करेंट हवा में जब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी कि 5 डिग्री टू 4 डिग्री के बीच में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड करेंट। हवा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि 45 डिग्री टू 40 डिग्री, इसको बोलेंगे वर्म करेंट। तो देखिए पैसिफिक, ये नॉर्थ पैसिफिक है, नॉर्थ एटलांटिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशियन, साउथ एंटार्क्टिक। तो देखिए ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपको शो कर रहा है वार्म करेंट, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है आपको शो कर रहा है कोल्ड करेंट। नेक्स्ट बात करते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है। देखिए कॉन्टिनेंट्स हमारे पास बेसिकली कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कॉन्टिनेंट्स में क्या है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम देखिए ये वाला पोर्शन जो डिफरेंट डिफरेंट गैप्स होता है इनके बीच में, जो भी आपके क्या है ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच के गैप फिलिंग को हम एक गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। बेसिकली ये ओशियन है एक तरीके की और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, अब जो बेसिकली क्लाइमेट है वो कितने फैक्टर्स पे डिवाइड है। क्लाइमेट बेसिकली 6 फैक्टर्स पे डिवाइड होता है। देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ, एरिड क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट और मेडिटेरियन क्लाइमेट। अभी क्लाइमेट बेसिकली क्या करता है, हवा अगर बहुत तेज चल गई तो टेम्परेचर बढ़ गया, अगर ओशियंस में से अगर एक्वेटिक एनिमल्स ने सांस ले ली तो टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया, ऊपर से अगर रिट्रीटिंग मानसून हो गए टेम्परेचर गिर गया, एडवांस मानसून हो गए टेम्परेचर गिर गया, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर लैंड सरफेस पे कहीं पे सूरज की रोशनी ज़्यादा हो गई टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप नोटेड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसा होता है, आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी आपको ये दिख रही होगी, और इस तरीके का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वेदर ठीक रहता है, यानी कि टेम्परेचर इसमें अच्छा रहता है। सब ट्रॉपिकल रीजन, थोड़ी थोड़ी आपको धूप दिख रही होगी, बाकी ग्रीनरी आपको दिख रहा है। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल में आपको टेम्परेचर बेसिकली 20 to 25 डिग्री के बीच में होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंड होती है, जैसे राजस्थान के अंदर टेम्परेचर है आप देख रहे होंगे ये पूरा सेंडी एरिया है, रेत वाला इलाका है, ठीक है। आगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है आपका, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर है वो 18 to 20 डिग्री के बीच में रहता है, सूरज की रोशनी हफ्ते में एक बार या दो बार इन पाउंड माउंटेन्स पर पड़ती है क्लाइमेट में, और ये बेसिकली क्या है कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। सेमी एरिड एरिया, यहाँ पे जो घास है थोड़ी बहुत घास रहेगी, थोड़ी बहुत सेंड रहेगी, मिक्सचर रहता है, घास है, रेत है, सेंड है, इसके अलावा छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनका। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बिल्कुल साफ सुथरा क्लाइमेट, यहाँ पे क्या रहता है 12 to 15 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर रहने के साथ क्या है यहाँ पे वेजिटेशन भी अच्छा होता है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर इन द क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, देखिए वही क्लाइमेट जिसका टेम्परेचर बेसिकली 20 to 25 डिग्री के बीच में रहता है, और ये क्लाइमेट मोस्ट प्रोबेबली आप सभी का क्या करता है, ये एक सुटेबल क्लाइमेट है कोई भी फसल करने के लिए या किसी भी जगह रहने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म। एक सेंटर ओशनिक क्लाइमेट, ये क्लाइमेट आपको बेसिकली पाया जाता है फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूँ तो डेंस फॉरेस्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हरा भरा डेसिडियस फॉरेस्ट, हरा भरा फॉरेस्ट है, और पेड़ ऐसे लंबे लंबे आड़े तिरछे हैं, 60 मीटर के अप्रोक्स पेड़ की हाइट होती है, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी इस वाले सरफेस पर कभी कभी पड़ती है, तो इसको हम ओशनिक क्लाइमेट कहते हैं। आगे बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की,
और नेक्स्ट है जो हमारा सब आर्टिक क्लाइमेट। सब आर्टिक क्लाइमेट का मतलब हो गया पूरा वो इलाका जिस पर बर्फ होती है। आप देखिए बर्फ आपको मिल रही होगी, ये सब ट्रॉपिक आपका इलाका है। पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट भी पूरा क्या है पानी और बर्फ से मिलकर बना है, जहाँ पर पोलर बियर्स रहते हैं, आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अगर तो पोलर क्लाइमेट्स में बेसिकली सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, पोलर क्लाइमेट में सबसे गर्म दिन वो होता है जो जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास होता है। सबसे गर्म दिन बता रहा हूँ मैं, तो सोचिए हमेशा यहाँ कितनी सर्दी रहती होगी। आप इमेजेस में देख पा रहे हैं पूरा जो एरिया है ये बर्फ से घिरा हुआ एरिया है पूरा, और ये कितने सारे वुलन क्लॉथ्स पहना है, तो ये काफ़ी ठंडा इलाका होता है। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के अंदर पूरा बर्फ है, ये कोई रेत नहीं है, कोई सैंड नहीं है, ये पूरा बर्फ है। एंटार्क्टिका के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 0% है, यानी कोई आदमी नहीं रहता, सिर्फ ये बर्फ रहती है। ये वाला इलाका देख रहे होंगे, ये पूरे पहाड़ माउंटेन सरफेस ये पूरा बर्फ का होता है। द इंडियन मानसून, इंडियन मानसून मैं आपको बेसिकली बता चुका कि इंडियन मानसून बेसिकली जो होता है वो आपका दो टाइप से वर्क करता है, एक आपका एडवांस मानसून, दूसरा रिटेटिंग मानसून, इसलिए सीजन में होते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो कि आपके काम की है, और वो है आपका रिदम ऑफ सीजन्स। तो सीज़न क्या होते हैं मैंने आपको समझाया। देखिए अब सीज़न इंडिया में बेसिकली क्या है, 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, इसके अलावा आपका स्प्रिंग सीज़न और समर सीज़न। तो हॉट वेदर को हम समर में काउंट करते हैं, कोल्ड वेदर को विंटर में काउंट करते हैं। साउथ वेस्ट मानसून का मतलब हो गया कि ये हमारा स्प्रिंग सीज़न या रेनी सीज़न हो गया, रिट्रेटिंग मानसून को स्प्रिंग सीज़न में काउंट करते हैं। आगे बढ़ें अगर तो 4 मेन सीज़न आपको पता ही है, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। कोल्ड वेदर क्या होता है, जिसका टेम्परेचर बेसिकली बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी कि टेम्परेचर 10-15 डिग्री अगर नॉर्थ में रह जाता है तो वो कोल्ड वेदर में कंसिडर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कोल्ड वेदर में कि साइक्लोनिक इफेक्ट की वजह से क्या है, टेम्परेचर दिन पर दिन गिरता जाता है, फॉग हमारे आसपास आ जाता है, जो एयर होती है वो ड्राई हो जाती है, एयर जो होती है वो वेट हो जाती है, यानी कि जो है एक तरीके से वेट का मतलब गीली हो जाती है, यानी कि मॉइस्चर रहता है काफ़ी। कोल्ड वेदर का कुछ डेटा देख सकते हैं कि इतना टेम्परेचर, वही मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 डिग्री के बीच में रह जाता है, और जो डेटा है वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये फिगर है टेम्परेचर जनवरी के अंदर, ये कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ 15 डिग्री, यहाँ पे कुछ 20, ये कोस्टल एरियाज़ में आपको क्या है टेम्परेचर सेम मिलेगा, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर आपका नॉर्मली क्या है कि इक्वली रहता है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, पूरे साल एक जैसा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, विंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंटर सीजन क्या है आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड, वाटर रेनफॉल, विंटर। अब बात करते हैं विंटर की, तो विंटर में देखिए विंटर में क्या है कि कोल्ड, सर्दी, जाहिर सी बात है चिल्ड्रंस को क्या करना पड़ता है कि वुलन क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं, चाहे वो स्कूल जाने के लिए हो, घर में रहने के लिए हो, या फिर बाहर खेलने के लिए। एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, एक ऐसा शेल्टर, ऐसा जंगल देखना पड़ता है जहाँ पे जो है थोड़ा सा जो क्लाइमेट है वो वार्म हो। ठीक है, अब हॉट वेदर सीजन में क्या है, ये मार्च टू मई के महीने में आता है, इसमें जो हवा चलती है वो नॉर्थ टू साउथ वर्क करती है। इसके अलावा हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर बेसिकली क्या है हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है इस टाइम। हॉट वेदर सीजन मैंने आपको बताया, हॉट वेदर सीजन में 40-45 डिग्री का टेम्परेचर होता है जो कि कॉमन है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, राजस्थान, इनमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और इसके अलावा हॉट वेदर में क्या होता है, जो टेम्परेचर क्योंकि जुलाई के महीने में आते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, ये गर्मियों वाला महीने होते हैं, इस टाइम पे टेम्परेचर देखिए 20 तो नॉर्मली विंड का बता रहा है, 25-30-35 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लू चलती है। आप लोगों ने गर्मियों में सुना होगा अक्सर, आप लोगों की जो घर में मदर है वो कहती है कि बाहर मत जाओ लू चल रही है, तो जो गर्मियों में बेसिकली हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको लू बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगर फीचर्स ऑफ हॉट वेदर क्लाइमेट, ये आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समर। अब समर की बात करते हैं, तो समर में देखिए हम बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़े दिन होते हैं और जो डेज हैं वो गर्म होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होती हैं इस मौसम में, क्योंकि ये ज़ियाद क्रॉप होता है, और ज़ियाद क्रॉप के टाइम पे मई जून के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वाटरमेलन हो गया आपका, तरबूज, खरबूज और खीरा, ये हम खाते हैं बेसिकली कुकुम्बर। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो डेंस्ड होता है, डेंस का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा हलचल वाला क्लाइमेट है।
नेक्स्ट बात करें अगर एडवांस मानसून की, मैंने आपको बताया कि एडवांस मानसून क्या होता है, जो साउथ टू नॉर्थ वर्क करता है, एंडमान एंड निकोबार आइलैंड से लक्षद्वीप आइलैंड से दोनों चीज़ों से कवर होके साउथ टू नॉर्थ चलता है एडवांस मानसून। ये कब आता है, ये आपका बेसिकली वर्क करता है जून से लेकर सेप्टेम्बर वाले महीने में, और इसमें जो रेन है वो पहले साउथ वाले पोर्शन में होती है, फिर सेंटर मोस्ट पार्ट मध्य प्रदेश वाले रीजन में, फिर होती है आपका हिमाचल वाले रीजन में। नेक्स्ट बात करें विंड मानसून, बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए नीचे की तरफ से चलता है अभी जो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से वीडियो में आपको। नेक्स्ट बात करें एडवांस मानसून की, कुछ फीचर्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिट्रीटिंग मानसून क्या होते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि नदर्न पोर्शन से लेकर साउथ पोर्शन तक दोबारा से बारिश होती है, कब किस टाइम पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम पे, यानी कि ये वाली बारिश इधर आके दोबारा से शिफ्ट हो जाती है, इस टाइम पे क्या बोलते हैं, सर्दी होती है हमारे नॉर्थ में, इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। रिट्रीटिंग का मतलब होता है लौटने वाले मानसून, ठीक है। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है जो कि मैं आपको ऑलरेडी मैप में पहले बता चुका हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है कि 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो ये वाला एरिया है, और 100 टू 200 के बीच में है वो रेड वाला एरिया है, 50 ये, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा क्लास 9th का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लाइमेट, तो आप NCERT बुक्स रीड करिए, और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो विल डिस्कस इट इन द क्लासरूम। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।